नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीम 360 के इस चैनल में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम आज नेपाल में हैं। नेपाल में एक प्लेस है ललितपुर। करीब 9 तारीख को हम यहां पे आए थे। 9 तारीख से आज 12 तारीख हो गई, करीब 4 दिन हो गए हैं। यहां के स्कूल्स में हमने प्रोग्राम किया और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ के पेरेंट्स, यहाँ के बच्चे, यहाँ के स्कूल ओनर्स ऑल आर वेरी गुड, बहुत अच्छे और बहुत ही मेच्योर लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा। सो अभी हम लोग कल मॉर्निंग में हम लोगों को वापस निकलना है, और चूँकि यहाँ पे हम लोग नेत्रा जी हमारे साथ में खड़े हुए हैं और इनका बिल्कुल मन था कि यार आप आए हैं, पहली बार नेपाल आए हैं तो हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो अभी जस्ट यहाँ पे वो क्लास कंप्लीट हुआ है, वो सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ हमारे पास में, हम इसको जैसे ही इंडिया पहुँचेंगे बहुत जल्द एडिट करके इसको अपलोड करेंगे ताकि आप इसे देख पाएँ। हाल फिलहाल के लिए नेत्रा जी और उनकी वाइफ वो चाह रहे थे कि टीम 360 का यहाँ पे सम्मान किया जाए, क्योंकि वो इतना दूर से यहाँ पे हमारे को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो चलिए अभी हम उस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और मैं जो माइक है हैंड ओवर करता हूँ हमारे मित्र नेत्रा जी को। वो कोई शब्द अगर कहना चाहें, एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहें इस स्वागत की घड़ी में, तो ज़रूर हम उनसे गुजारिश करेंगे कि करिए। थैंक यू विपुल सर, थैंक यू विनीत सर और प्रणव जी, थैंक यू। फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि टिम 360 डिग्रीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबै कुराहरू विपुल सरले भनिसक्नु भएको छ र यो प्रविधि जापानबाट जसरी यहाँहरूले इन्डियामा ल्याउनु भयो र यो भिडियोको बारेमा धेरै अनुसन्धानहरू गरेँ, मैले धेरै रिसर्च गरेँ र मलाई महसुस भयो कि यो हाम्रो नेपालमा हाम्रो विद्यार्थीहरूको लागि, हाम्रो टिचरको लागि यहाँ अति नै आवश्यकता छ भन्ने महसुसले यो प्रविधिलाई मैले नेपालमा ल्याउनको लागि मैले विपुल सर, विनीत सर, टिम 360 को टिमसित रिक्वेस्ट गरे। उहाँहरूले धेरै भन्दा धेरै सहजीकरणबाट यसलाई यहाँ आएर प्रोग्रामहरू गर्नुभयो, देखाउनुभयो र त्यो प्रोग्रामले जहाँ जहाँ हामीले प्रोग्राम गऱ्यौँ त्यो स्कुलहरूमा सबैबाट एउटा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै खुसी, सम्मान र यो प्रोग्राम हाम्रो स्कुलमा हुनुपर्छ। यसबाट हाम्रो बच्चाहरूले धेरैभन्दा धेरै कुराहरू थोरै समयमा याद गर्न सक्छन् र उनीहरूको पढाइमा यो एकदम आवश्यकता छ भन्ने महसुस भएको छ र मलाई पनि शिक्षामा एउटा नयाँ क्रान्ति। हामी घोकेर रटेर त्यसरी पढ्थ्यौँ, वास्तवमा हामी धेरैभन्दा धेरै चिजहरू थोरै समयमा सहजै रूपमा हामी याद गर्न सक्छौँ र याद गरेको कुरा पनि धेरै समयसम्म त्यसलाई हामी बिर्सिन नसक्ने त्यो तरिकाहरू बताउनु भएको छ। र त्यसै गरी तपाईँको जापानिज प्रवृत्ति अनुसार जुन एक्सर्साइजहरू छ, जो म्युजिकहरू छ, त्यो म्युजिकद्वारा उहाँहरूले के बच्चाहरूको मेमोरी पावरलाई बढाएर बच्चाहरूले त्यसबाट चमत्कारी रूपमा आफ्नो पढाइमा धेरैभन्दा धेरै लाभ गर्न सक्छन्, यो एउटा शिक्षामा नयाँ क्रान्ति हो त्यो महसुस गरेको छु। र यसलाई जसरी भए पनि हामी यसलाई यो दीपक जो हामीले भालेका छौँ शिक्षाको, यो रोशनी हाम्रो शिक्षामा जो पनि एउटा अन्धकार छ त्यसलाई मेटाउने छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु र अन्तिममा टिम 360 डिटलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। अब मेरे साथ में मौजूद हैं कंपनी के मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विनीत शर्मा। तो चलिए जानते हैं उनका भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है, तो हम जानते हैं उनका क्या अनुभव रहा है क्योंकि हम लोग तो साथ में ही थे, पर चलिए उन्हीं के जो है मुख से सुनते हैं उनका क्या अनुभव है। नमस्कार आप सभी लोगों को, और मैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले सर को और सर के जो टीम मेंबर हैं, मैडम हैं, साथ में जो इनके टीम में जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उनका एक यहाँ नया ऑफिस जो है एस्टेब्लिश इन्होंने किया है और ये कंसेप्ट यहाँ नेपाल में तो फर्स्ट टाइम ही लॉन्च किया है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाओं के भागीदार रहे हैं। हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई और इनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। यहाँ पे सभी बच्चे जो हैं वो बहुत तेज़ी से इस काम को सीखे, इवन हम लोगों ने यहाँ पे क्लास भी कराई और देखा कि बच्चों का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, और सर को जो है स्कूल के अंदर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इन्होंने स्कूल में भी डेट ली और हमारे साथ में स्कूल के एक डायरेक्टर भी अभी मौजूद हैं, स्कूल में भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स था। पेरेंट्स के लिए भी एकदम यूनिक चीज़ थी
और तीन स्कूल हम लोग कर चुके हैं। तीनों स्कूलों के अंदर एक कंसेप्ट पहली बार ही देखने में आया और वहाँ के स्कूल के मैनेजमेंट और पेरेंट्स और बच्चों ने बहुत सराहा कंसेप्ट को और वहाँ इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा प्रेज और प्रशंसनीय रहा वहाँ पर कंसेप्ट भी। और वहाँ भी अभी निकट भविष्य में जल्दी क्लास स्टार्ट होने वाली है और इसी तरह से काम को आगे से आगे फैलाए, जैसा कि अभी काठमांडू ललितपुर में किया है सर ने और पूरे नेपाल के अंदर कर सकते हैं। इनको हमारा पूरा सहयोग रहेगा और जो है इनके मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये स्वागत करने जा रहे हैं हमारा, हमें भी बड़ा मैं अपनी एंकरिंग खुद ही कर रहा हूँ कि भैया मेरा ही स्वागत हो रहा है यहाँ पे। टीम 360 का एक एक नंबर से आ रहा है उधर देखते हुए कीजिएगा सर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इनका वहाँ स्वागत किया था। अरे वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, टीम 360 फुल सपोर्ट करेगी, आप आगे बढ़िए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए विनीत जी, अरे देंगे सर आपको, थैंक यू, आपके साथ है ये अच्छा। बर्थडे बॉय बहुत कमाल के है, मेरे तरफ से देव का बर्थडे, कल इसका बर्थडे, कल बर्थडे ना, हां बर्थडे भी मनाएंगे, हैप्पी बर्थडे, पहले इनको सम्मानित किया जाएगा पूरा। वेरी गुड, थैंक यू, अरे वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे, एडवांस इन एडवांस, हैप्पी बर्थडे, बस चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई बात नहीं, अच्छा ठीक, ये है पहले बोलने वाला, सही है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो आपको कुछ ना कुछ तो दो वर्ड शब्द ही कहिए, ये लीजिए। शिक्षा को क्षेत्र में एउटा नया दीपक, एउटा नया ज्योति, नया प्रकाश, जसले हाम्रो भावी कर्णधार जो बच्चाहरू छन् उनीहरूको जीवनमा एउटा प्रकाशै प्रकाश आओस् भन्ने हिसाबले हाम्रो शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा नयाँ क्रान्ति आओस् जसबाट हाम्रो देश विकासको लागि, सुन्दर नेपालको लागि यसको एउटा कदम अपरिहार्य बनोस्, त्यो निभ हामीले यहाँ राख्न गइरहेका छौँ। यसमा सबैजनाको, सबै भ्युवर्सहरू जतिजना हुनुहुन्छ यो सबैमा हामीले हातेमालो गरेर यो कदमलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। भनिन्छ थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ, त्यसैले हामी सबैको हातेमालो गरेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तपाईँको सुझाव, तपाईँको सल्लाह अनुसार हामी यो कदमलाई एउटा देश विकासको पक्षमा एउटा नयाँ दीपक, एउटा दीपकबाट सुरुवात गरेर हामी यहाँ हजारौँ दीपक जलाउन चाहन्छौँ र यो प्रकाशलाई सारा संसारमा फैलाउन चाहन्छौँ। यसको लागि म सबैलाई साथ, हात साथको एउटा तपाईँहरूको साथको आशा राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।